इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मंच टाइम पे यूनिट नंबर 7 में, जो कि बैग मार्ट के बिल्कुल बराबर के अंदर। और अक्सर लोगों को ये रेस्टोरेंट दिखता नहीं, इसलिए हमने सोचा भाई इसको एक्सप्लोर करना चाहिए और इनके फूड्स को, जो कि बड़े ही यूनिक और प्रीमियम क्वालिटी के हैं, तो इनका हम लोग आज रिव्यू करेंगे और बताते हैं कि इनके पास क्या क्या आइटम्स मौजूद हैं। तो चलते हैं फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग लेकर आए आपके लिए मंच टाइम की बेहतरीन किस्म का फूड, जो कि मैं कह रहा हूँ कि बर्गर का हब है, जिसमें आप देख सकते हैं ये बेहतरीन किस्म का जिंगर बर्गर, जिसका सबसे साइज ही काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और उसके बाद इनका ये स्टीक बर्गर, और ये मैं भाई खाने के लिए बड़ा बेताब हो रहा हूँ, क्योंकि ये हैदराबाद के अंदर बहुत कम जगहों पर मिलता है और इनके मुताबिक ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और उसके बाद इनका एक वैल्यू बर्गर, जो कि थोड़ा साइज़ में छोटा है और इसकी पेटी भी काफ़ी छोटी है। और फिर इन्होंने हमें दिया है इनके नगर, जो कि साइज़ में नॉर्मली दूसरे नगर से काफ़ी बड़े हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास इनका जो रैप है वो भी यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, सबसे जो यूनिक चीज़ रैप की है वो है इसकी आपकी रोटी है, या जो ब्रेड वगैरह जिसे कहते हैं इसको, वो काफ़ी डिफरेंट है। जो ये बताएँगे यहाँ पर ये खुद जो ना खुद बना रहे हैं। और इसकी जो स्पेशलिटी है वो ये कि डिफरेंट वेजिटेबल के साथ इसको मिक्स करके, इसके इंग्रेडिएंट मिक्स करके इसको रैप को बनाया जा रहा है, जिसमें ये बता रहे हैं कि आइसबर्ग, चिकन, शिमला मिर्च और इनके डिफरेंट डिफरेंट सॉसेज को इंक्लूड करके ये रैप बिल्ड किया जाता है। तो इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। वैसे ये बिना केचप की ज़्यादा अच्छा लगे। अच्छा, ये रैप का जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो काफ़ी टेस्टी हैं। और ब्रेड को लेके अगर मैं कोई डिस्कस करना चाहूँ तो ये है कि ये हो सकता है दूसरे रैप से आपको थोड़ा डिफरेंट लगे, अदरवाइज़ टेस्ट के लिहाज से आपका रैप आपको अच्छा लगे। गोलगप्पे यहाँ आ गया माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, और ऐसे हैं कि माशाल्लाह बच्चे भी हमारे खूब इंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छे खा रहे हैं ये लोग ना, और टेस्ट भी बहुत अच्छा है बच्चों के हिसाब से, ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है और बहुत बेहतरीन है। और इसका फर्स्ट बाइट लेंगे, पहले इसको केचप से भर लेते हैं फुल। नॉर्मली जब आप जिंगर बर्गर खाते हैं ना, तो वो इनका जो अंदर जो रोस्ट होता है तो बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा वो नहीं होता करंची, और इनका जो रोस्ट है वो बहुत ज़्यादा करंची, मतलब इसके ऊपर जो ब्रेड क्रम्स वगैरह लगे हुए ना, बेहतरीन किस्म के यार, वो भाई रिकमेंडेड है, बहुत ज़्यादा टेस्टी, मज़े का बर्गर खाने के लिए आपको अपना मुँह खराब करना पड़ता है। ये इनका स्टीक बर्गर है, जो कि चिकन ग्रिल है, और इसकी पेटी आप देख सकते हैं काफ़ी ठीक है। तो ज़रा आप इसको खा के टेस्ट करते हैं कैसे। रिकमेंड किया इस चीज़ का कि भाई आपने ना ये वाला बर्गर ज़रूर ट्राई करना, तो वो अभी देखें ज़रा इसमें क्या चीज़ खासियत है। काफ़ी टेस्टी है, पेटी है ना, क्योंकि वो ग्रिल हुई है, और नॉर्मल जो आप जिंगर के अंदर खाते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं फ्राई करते हैं, तो दोनों का टेस्ट ऐसी बात है, आपको उसके अंदर फ्राई का आएगा और इसके अंदर आपको आएगा तकरीबन ग्रिल का। तो भाई दोनों चीज़ें मज़े की हैं, और अगर आप यहाँ पर आते हैं तो ग्रिल बर्गर आप ज़रूर ट्राई करें, मतलब एक प्रीमियम क्वालिटी का आपको लोगों से डिमांड करते हैं भाई, हाइजीन हो, सारी चीज़ें हो, तो वो यहाँ पे आपको मिलेगी। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पे इनका वैल्यू बर्गर ही मौजूद है, और इसकी पैटी और इसका जो बर्गर का टेस्ट है वो टेस्ट कर लेते हैं। नॉर्मली फास्ट फूड के अंदर जो चीज़ मैटर करती है वो इनकी जो पैटीज़ होती हैं, और पैटी जो और इनके जो स्पाइसेस होते हैं वही सारा इसके टेस्ट को जो है ना जो बिल्ड करते हैं, टेस्ट को बिल्ड करने में काफ़ी मदद करते हैं। तो मुझे बहरहाल जो इस वैल्यू बर्गर की पैटी है वो काफ़ी अच्छी लगी, और जो बन के अंदर जो सॉसेस वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं उसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप गाजी भाई और भारी भाई ने दोनों ने ट्राई कर लिया है, मैं ट्राई करके देखता हूँ, जितना इन दोनों ने तारीफ की है मैं भी देखता हूँ कि इतना अच्छा है भी या नहीं है ना। असल में सबके जिंगर एक जैसे ही होते हैं तकरीबन, जितने मुझे लगता है मैंने खाया है, इनका थोड़ा डिफरेंट है वो यूँ, क्योंकि इनका अपना सॉस डाला हुआ है, इसमें माइनस नहीं है, माइनस भी मुझे अच्छी लगती है, लेकिन इसमें सॉस का भी एक अलग ही टेस्ट आ रहा है, बहुत अच्छा लगता है भाई। ये अब मैं इनका नगेट्स ट्राई करने वाला हूँ, और अच्छा यहाँ से टूट गया ये तो, बेहतरीन। लंच टाइम के बाद जितने भी आइटम्स हैं वो सारे ही बहुत अच्छे हैं, और नगेट्स मुझे बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है, वैसे बेसिकली भी मतलब कहीं पर भी अगर मैं जाऊँ मुझे नगेट्स मिल जाए तो मेरा ही होता है फेवरेट, तो नगेट्स तो भाई मेरे हो गए यहाँ पे फेवरेट। अगर मैं यहाँ पे मतलब स्नैक खाने का दिल कर रहा है तो मैं यहाँ से 4 पीस के नगेट मिलते हैं वो यहाँ से लेके जा सकता हूँ। रेडी। अच्छा, मंच टाइम पर आने का फ़ायदा आपको पता है क्या है, आपको एक ही जगह पर काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि आपने यहाँ से पेट्रोल भरवाया पीछे से, पेट्रोल भरवा के आप यहीं पे खड़े हो गए, आपने यहाँ पे गोलगप्पे खा लिए, यहाँ पे गोलगप्पे ही मौजूद है, गोलगप्पे ट्राई करते हैं भाई। इनके मुताबिक कि इनका जो पानी है ना वो बहुत लाइट है, और जो टाटरी बहुत ज़्यादा मिलाई जाती है ना पानी के अंदर, वो इसमें नहीं मिलाएगी, तो भी ज़रा टेस्ट करते हैं, वाकई ऐसा हैवी नहीं है। गोलगप्पे भी इतने भाई, तो इनके पास आइसक्रीम भी है जो इन्होंने हमें बोला टेस्ट करें आप, वैसे में ये बहुत मज़े का गुल्फा है, अगर आप पेट्रोल पंप में आते हैं तो गुल्फा ज़रूर खा के जाएँ। अच्छा, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं एक बात बता दूँ ना, पे बहुत दिनों से मुझे बोल रहा था कि बारी भाई कोई अच्छा व्यू होगा ना उसमें लेके जाना, करवा के आज मज़ा आया ना भाई, मैंने बेहतरीन बैटिंग करी है। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये है कि कुल्फी वाकई बहुत ज़्यादा टेस्टी है, और क्योंकि इसका जो एक्चुअल में जो इसका फ्लेवर है वो है उसका कुल्फे का,
बहुत ज़्यादा मज़े का है और बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं क्रीमी इसके अंदर जायका आ रहा है। तो आप अगर यहाँ पे आते हैं तो सिर्फ बैठ के अगर यहाँ पे गोलगप्पे खाने जाए तो गोलगप्पे खा सकते हैं, कुल्फी खाने जाए तो कुल्फी खा सकते हैं, मतलब ओवरऑल सब चीज़ें बेहतरीन है यहाँ। यहाँ पे फैमिली का बैठने का भी सेटअप काफ़ी अच्छा है और व्यू बड़ा अच्छा है, मतलब यहाँ बैठ के आपको पूरा तकरीबन एक यूनिट नंबर 7 का जो इन्वायरमेंट है वो आप फील कर सकते हैं। यहाँ पे लोग जाते हैं बैग मार के जो पार्किंग है वहाँ बैठ के भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, गाड़ी में बैठ के भी खा सकते हैं और सिक्योर यहाँ पर सब कुछ है। और रात के 4 बजे तक ये ओपन होता है वीकेंड पर और नॉर्मल डेज के अंदर रात के 3 बजे तक भी ओपन होता है। तो अच्छा भाई, अगर आप यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे इनका फूड ट्राई करते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा 5%। मेरा कोड अगर आप यूज़ करेंगे AB25 का या मेरा नाम भी अगर आप यहाँ पे आके लेंगे तो आपको 1 वीक के लिए 5% का डिस्काउंट मिलेगा मंच टाइप की तरफ से। और ये इन्होंने हमें एक वो दिया है कि भाई आपके नाम से जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो देख कर आते हैं तो मेरा कोड यूज़ करके आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा 1 वीक का। मन चले भाई, हमने तकरीबन सारी चीज़ें यहाँ पे ट्राई कर ली हैं, कुल्फी खा रहा हूँ फाइनली मैं। तो मैंने कहा वीडियो ब्लॉग को एंड कर दें और मैं आपको ये बताना चलूँ कि सबसे ज़्यादा हाईली रेट यहाँ पे जो करूँगा वो है जिकर, और जिकर इनका बहुत ज़्यादा टेस्टी है और उसका जो क्वान्टिटी वो भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद मैं इसका रेट करूँगा ग्रिल बर्गर का, वो भी बहुत ज़्यादा मज़े का था और मैंने सबसे ज़्यादा यहाँ पर वही खाया है। तो ओवरऑल सारी चीज़ें बेहतरीन थी। मेन्यू के अंदर जो इनका जो मेन्यू है वो मैं आपको वीडियो के अंदर कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा, वहाँ पे जाके आप इनके जो प्राइस वगैरह वो देख लो, बहुत सारी चीज़ें इस तरह प्राइस याद नहीं रह जाएगा। और गूगल लोकेशन भी मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगा। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लिंक भी उसका जो आपको कमेंट के अंदर मिल जाएगा। तो भाई मुझे अच्छा एक और इंपॉर्टेंट मैं आपको बता चलूँ कि खाना तो हम लोग तकरीबन सब जगह खाते हैं और फूड लोग तो बनाते ही रहते हैं, लेकिन उनके साथ जो स्टाफ बिहेवियर होता है ना वो बड़ा मैटर करता है। और यहाँ का जो स्टाफ का जो बिहेवियर है वो बेहतरीन किस्म का है और बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं हर चीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।